हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यू फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट कोटिंग के बारे में। यस स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज़ योर जीपैट, नाइपा, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेमिस्टर एग्जाम। सो चलिए शुरू करते हैं। टैबलेट कोटिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इज क्या टैबलेट कोटिंग होता है, टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, दैट इज योर शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड एंट्री कोटिंग, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं कोटिंग करने के लिए, दैट इज योर परफोरेटेड कोटिंग पैन, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन एंड फ्लूडाइज्ड बेड कोटर। यस, सो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले टैबलेट कोटिंग को शुरू करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टैबलेट कोटिंग को समझ लें, टैबलेट कोटिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। दैट टैबलेट कोटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कोटिंग मटेरियल टू द एक्सटीरियर ऑफ टैबलेट। मीन्स किसी भी टैबलेट पर कोटिंग करना, कोटिंग मटेरियल से टू गेट द बेनिफिट्स एंड टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ डोसेज फॉर्म ओवर द अनकोटेड वैरायटी। किसी भी टैबलेट पर कोटिंग मटेरियल से कोट कर देना, उसकी उससे प्रॉपर्टीज में चेंज आना, उसको हम टैबलेट कोटिंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं क्यों करते हैं हम टैबलेट कोटिंग। फर्स्ट इज टू मास्क बिटर टेस्ट, to protect the drug, to increase stability, to improve mechanical stability, to increase elegant core, product identity करने के लिए mask unpleasant odor। ठीक है, now बात करते हैं types of coating, कितने तरह की coating होती है। first one is your sugar coating, second is your film coating, third one is your entry coating। एंट्री कोटिंग कहीं ना कहीं आपके फिल्म कोटिंग में ही आ जाता है, फिर भी हम उसको इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ बात करते हैं शुगर कोटिंग से, शुरुआत करते हैं शुगर कोटिंग क्या होता है। शुगर कोटिंग से जैसे कि इसके नाम से ही समझ रहे हैं हम, शुगर कोटिंग, हम इसमें शुगर की कोट करते हैं। शुगर कोटिंग में फर्दर काफ़ी स्टेप्स हैं जिससे हम शुगर कोटिंग को पूरा करते हैं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं डेफिनेशन से। शुगर कोटिंग इज द मोस्ट कन्वेंशनल मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस एंड एज द नेम सजेस्ट दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ शुगर, दैट इज सुक्रोज बेस्ड कोटिंग सॉल्यूशन टू द टैबलेट। ठीक है, नाउ कौन कौन से स्टेप्स हैं, सीलिंग, सब कोटिंग, सिरपिंग, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। अब क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आपसे पूछा जाए कि अगर शुगर कोटिंग में जो सीलिंग होता है उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यस, फिनिशिंग का फंक्शन क्या है शुगर कोटिंग में या सीलिंग का फंक्शन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका जीपैट और नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं सीलिंग को। सील कोटिंग क्या होता है, सील कोटिंग का मेनली फंक्शन दैट इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। टैबलेट के अंदर जाने से मॉइस्चर रोकता है सील कोटिंग। अगर हमने सील कोटिंग कर दी है किसी टैबलेट पर तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, इट प्रिवेंट्स दैट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जा सकता है। सील कोटिंग एजेंट्स कौन कौन से एजेंट्स यूज करते हैं, शेलेक, जीन, ओलिक एसिड, PEG 4000, एल्कोहल, मिथाइलिन क्लोराइड आर दी सील कोटिंग एजेंट्स। नाउ जीन की बात करें, जीन में भी जीन दैट इट इज अ एल्कोहल सोल्यूबल प्रोटीन डेरिवेटिव, और शेलेक इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ शेलेक इन कंपेरिजन टू जीन। बट एक डिसएडवांटेज रहता है, इट लेंथेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम। जब आप भी आप इंटेक करते हैं उस टैबलेट का जिसपे शेलेक की सील कोटिंग होती है, तो वो डिसइंटीग्रेशन टाइम, मतलब डिसइंटीग्रेशन मीन्स टूट जाना, वो उसका टाइम बढ़ा देती है क्योंकि टैबलेट काफ़ी टाइम लेती है टूटने में और डिजोल्व होने में। ठीक है, जब वो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आएगी। नाउ बात करते हैं सब कोटिंग की। सील कोटिंग हमने देख चुके हैं, सब कोटिंग क्यों अप्लाई किया जाता है, टू फॉर्म यूनिफॉर्म एजेस, टू बिल्ड अप द टैबलेट साइज। सब कोटिंग इंक्रीजेस द टैबलेट वेट फ्रॉम 50 to 100%। मतलब अगर
टैबलेट के एजेस क्लियर नहीं है, टूटे हुए हैं, कहीं से ब्रेकिंग है, तो वो उस चीज के लिए किया जाता है सपोर्टिंग, इसलिए किया जाता है टू बिल्ड अप द टैबलेट साइज। पर्टिकुलर टैबलेट में फिलर्स डालकर उसको एक वेट दिया जाता है। एग्जांपल्स हैं सब कोटिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज योर जिलेटिन, शुगर केन पाउडर, कॉर्न सिरप, सिरप एंड डिस्टिल्ड वाटर एंड गम अकेशिया आर यूज्ड इन सब कोटिंग। फंक्शन समझ गए हैं आप सब कोटिंग का, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस सिरपिंग, सिरपिंग में क्यों करते हैं, इट इज डन टू कवर द इम्परफेक्शन इन द टैबलेट सरफेस कॉज्ड बाय सब कोटिंग। जब हम सब कोटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ जाता है टैबलेट में, सो उस इम्परफेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम सिरपिंग करते हैं। सिरपिंग में याद रखिएगा इसमें कलरेंट भी यूज करते हैं। मेनली पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका कलरेंट हम कौन से स्टेप में यूज करते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे सिरपिंग, सिरपिंग में हम कलरेंट भी यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दैट इट इन्वॉल्व्स ऑफ सिरप कोटिंग विद ग्रोसिंग सिरप फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ डाइल्यूट कलरेंट्स टू प्रोवाइड टिंटेड बेस इन सबसिक्वेंट स्टेप्स द सिरप सॉल्यूशन कंटेनिंग डाई आर अप्लाइड अंटिल फाइनल साइज एंड कलर आर अचीव्ड। याद रखिएगा द फाइनल स्टेप अ क्लियर सिरप कोट विदाउट डाई आर अप्लाइड। नाउ मटेरियल देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज करते हैं सिरप कोटिंग में। फर्स्ट वन इज योर कलरेंट, सब कोटिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, केन शुगर दैट इज शुगर केन पाउडर, कॉर्न स्टार्च, सिरप एंड डिस्टिल्ड वाटर आर यूज्ड इन द सिरपिंग। सो याद रखिएगा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, क्या इसमें हम कलरेंट यूज कर सकते हैं, यस हम कलरेंट भी यूज करते हैं सिरपिंग स्टेप में। नाउ लास्ट में बात करते हैं पॉलिशिंग की और फिनिशिंग की। पॉलिशिंग टैबलेट्स इसमें पॉलिश की जाती है, फाइनल स्टेप है ये हमारा, किसमें, एक स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में, इन दी स्टैंडर्ड कोटिंग पैन। याद रखिएगा टैबलेट्स आर पॉलिश्ड इन अ स्टैंडर्ड कोटिंग पैन एंड दीज आर दी एग्जांपल्स विद दी फर्स्ट वन इज योर कैरनिवा वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स, वार्म सॉल्यूशन ऑफ वैक्सेस इन नेफ्था और सूटेबल वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में हमने क्या क्या देखा, सील कोटिंग देखा, सब कोटिंग देखा, हमारा सिरपिंग देखा, फिर पॉलिशिंग देखा। तो ये स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ बढ़ते हैं फिल्म कोटिंग की तरफ। फिल्म कोटिंग क्या है, क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज अ सिंगल स्टेज प्रोसेस, ये सिंगल स्टेज प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग अ कोटिंग सॉल्यूशन। कोटिंग सॉल्यूशन इसमें अप्लाई करते हैं। द सॉल्यूशन इज स्प्रेड ऑन टू अ रोटेटिंग टैबलेट फॉलोड टैबलेट बेड फॉलोड बाय ड्राइंग। मींस एक टैबलेट, एक कोटिंग पैन होता है, ये आपका टैबलेट है, इसको हम टैबलेट बेड बोलते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्प्रे करते हैं इसको कोटिंग मटेरियल को और उसको फिर उसके बाद हम ड्राई करते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से हमें यही समझ में आया। नाउ फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, दो तरह के फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, नॉन एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स और एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स, ठीक है। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स क्या होते हैं, एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स क्या होते हैं, देखने वाले हैं। नाउ बात करते हैं नॉन एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स की, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे आर इनकॉर्पोरेटेड टू गिव यूनिफॉर्म फिल्म विद डिजायर्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ विच आर एज फॉलोज, एग्जाम्पल्स और उसका फंक्शन। फर्स्ट वन इज योर HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एंड MHEC दैट इज योर मिथाइल हाइड्रोक्साइल इथाइल सेलुलोज, EC इज योर इथाइल सेलुलोज, एक्वा कोट भी बोलते हैं हम इसको, HPC, पोविडोन, SCMC, PG एंड एक्राइलेट पॉलीमर्स आर दी नॉन एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स की, एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व्ड इन एंट्री कोटिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ द टैबलेट कोर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। एंट्री कोटिंग क्यों करते हैं मैं बताता हूं। किसी टैबलेट को अगर हम एंट्री कोटिंग मटेरियल से कोट कर देते हैं तो क्या होता है, जब वो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में जाती है तो वो तब डिसइंटीग्रेट नहीं होती, so it avoids the disintegration in gastric environment and
देन आफ्टर दैट इट गेट रिलीज इन द इंटेस्टाइन। तो आप समझ गए होंगे अगर कोई नॉर्मल टैबलेट है विदाउट एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर, सो क्या डिसएडवांटेज है, वो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जा रही है, डिसइंटीग्रेट हो जा रही है। सो इसको रोकने के लिए, इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हम एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर से कोटिंग करते हैं, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ पीएच सेंसिटिव पॉलीमर विच स्वेल और सोलिबलाइज इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन पीएच टू रिलीज द ड्रग। नाउ अब देख लेते हैं कुछ फंक्शंस एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर्स के, क्या करती है एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर, दैट इट प्रोटेक्ट एसिड लेबाइल ड्रग्स फ्रॉम गैस्ट्रिक फ्लूड, दैट इज एग्जाम्पल एंजाइम्स एंड सर्टेन एंटीबायोटिक्स। सेकेंड पॉइंट, टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और नोजिया ड्यू टू इरिटेशन फ्रॉम द ड्रग, एग्जाम्पल में सोडियम सैलिसिलेट, एंड टू डिलीवर ड्रग्स इंटेंडेड टू फॉर लोकल एक्शन इन द इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, टू डिलीवर ड्रग्स दैट आर ऑप्टिमली absorbed in the small intestine to their primary absorption site. Next is to provide a delayed release action component for repeat action tablet. ये थे film forming function है। Now बात करते हैं properties of an ideal enteric coating material. क्या क्या properties होनी चाहिए एक enteric coating material में? Resistance to gastric fluid, मतलब जब अगर हम tablet दें वो जब स्टमक में जाए सो वो रेजिस्ट करे गैस्ट्रिक फ्लूड को और उसमें डिसइंटीग्रेशन होने से उसको बचाए। ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी टू इंटेस्टाइनल फ्लूड, इंटेस्टाइन में जाए और वहां पे रिलीज हो ड्रग। कंपैटिबिलिटी विद मोस्ट कोटिंग सॉल्यूशंस कंपोनेंट्स एंड द ड्रग सब्सटेंस, जो एट्रिक कोटिंग मटेरियल है वो आपका ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे, ड्रग एपीआई के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। स्टेबिलिटी अलोन एंड इन कोटिंग सॉल्यूशन, द फिल्म शुड नॉट चेंज ऑन एजिंग, मतलब कुछ टाइम के बाद जो अगर हमने टैबलेट कोटिंग करी है फिल्म एंट्रिक कोटिंग मटेरियल से, तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ, एज द टाइम प्रोसीड्स वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट वन इज योर सेलुलोज एसिटेट थैलेट, सेकेंड इज योर एक्राइलेट पॉलीमर, थर्ड इज योर HPMCP, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, फोर्थ वन इज योर पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट आर दी एंट्रिक फिल्म फॉर्मर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इनको इंडिविजुअली देखने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले बात करेंगे सेलुलोज एसिटेट थैलेट की। सेलुलोज एसिटेट थैलेट इज अ वाइडली यूज्ड, हाइग्रोस्कोपिक है, रिलेटिवली परमिएबल टू मॉइस्चर एंड गैस्ट्रिक फ्लूड, एंड फिल्म फॉर्म आर ब्रिटल एंड हेंस फॉर्मेटेड विद हाइड्रोफोबिक फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल्स टू अचीव बेटर एंट्रिक फिल्म्स। एक्वाटेरिक कोटिंग की जाती है सेलुलोज एसिटेट थैलेट की हेल्प से। क्या होता है एक्वाटेरिक कोटिंग, दैट इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूट कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ लेटेक्स पार्टिकल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड पॉलीमर ऑफ सेलुलोज एसिटेट थैलेट रेंजिंग इन साइजेस फ्रॉम 0.05 to 3 microns with an average particle of 0.2 micron. ये था सेलुलोज एसिटेट थैलेट के बारे में। अब देखेंगे एक्राइलेट पॉलीमर्स के बारे में। एक्राइलेट पॉलीमर्स के दो फॉर्म होती हैं, दो टाइप्स में अवेलेबल है, हाइड्रोजिड L एंड हाइड्रोजिड S। L क्या होता है, इज अवेलेबल एज एन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन सॉलिड और एक्वस डिस्पर्जन, वहीं पर जो S होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन और सॉलिड की तरह मिलता है हमें, याद रखिएगा। एंड यूड्राजिट एल एंड एस आर सॉल्यूबल इन इंटेस्टाइनल फ्लूड एट अ पीएच ऑफ 6 and 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एचपीएमसीपी क्या होता है, इट इज अ डिराइव्ड फॉर्म फ्रॉम एचपीएमसी बाय एस्टरीफिकेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड, डिराइव किया गया है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज से with the esterification or with thallic anhydride. These are stable than cellulose acetate thallate and dissolve at lower pH compared to cellulose acetate thallate and acrylic polymer. Means zyada suitable hai cellulose acetate thallate ke aur acrylic polymer ke. The suitability solubility characteristics may result in higher bioavailability of some specific drug. And it is available in various grades, that is HP55 and HP50. These are the grades of HPMCP.
नाउ पीवीएपी की बात करें, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एस्टरीफिकेशन ऑफ पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड पॉलीविनाइल अल्कोहल विद द थैलिकेनहाइड्राइड। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ रही हैं। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोटिंग पेन्स। अब कोटिंग पेन्स कौन कौन से यूज होते हैं कोटिंग करने के लिए? मेनली फर्स्ट वन इज योर स्टैंडर्ड कोटिंग पेन। स्टैंडर्ड कोटिंग पेन में कौन कौन से हैं? पेलीग्रीनी पेन, इमर्सन स्वॉट टाइप पेन एंड इमर्सन ट्यूब टाइप पेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड कोटिंग पेन कौन सा होता है। सेकेंड इज योर परफोरेटेड कोटिंग पेन। परफोरेटेड में कौन कौन सा है? एसिला कोटा पेन, हाई कोटा पेन एंड ड्राई कोटर पेन एंड ग्लैड पेन कोटिंग एंड हल्टिन बटरफ्लाई पेन। थर्ड टाइप है हमारा फ्लूडाइज्ड बेड कोटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं बताने वाला हूं आपको। आपका एमसीक्यू जो आपका जीपैट नए पर में पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड कोटिंग पेन कौन सा है, ये नेम याद रखिएगा आप, और परफोरेटेड कोटिंग पेन कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नाउ इंडिविजुअल देख लेते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पेन। स्टैंडर्ड कोटिंग पेन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक मेटल पेन होता है लाइक दिस, 40 डिग्री के एंगल पर रहता है हमेशा, 8 टू 60 इंच डायमीटर रहता है, जो ये रोटेट होता रहता है, ये रोटेट होता रहता है अपने एक्सिस पे। इसमें टैबलेट रहती हैं, दीज आर दी टैबलेट। हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है। हीटेड एयर इज सप्लाइड बाय इनलेट एयर, ये एक पाइप होता है, यहाँ से एयर आती है। एग्जॉस्ट बाय मीन्स ऑफ डक्ट, एक आउटलेट के लिए, एक एग्जॉस्ट के लिए एक अलग से पाइप होता है। एंड कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाइड टू टैबलेट्स बाय लेडिंग ऑन स्प्रिंग। कैसे? दिस इज द स्प्रे, सो कोटिंग यहां से की जाती है। ठीक है, याद रखिए। यूज ऑफ एटोमाइजिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन और सस्पेंशन। एटोमाइजिंग सिस्टम का यूज किया जाता है जिससे कि किसी भी टैबलेट पे ज्यादा कोटिंग सॉल्यूशन ना डिपॉजिट हो और किसी पे यूनिफॉर्म कोटिंग ना हो। So, ये था स्टैंडर्ड कोटिंग पेन। नाउ बात करते हैं परफोरेटेड कोटिंग पेन। परफोरेटेड से आप क्या समझते हैं? परफोरेशन, परफोरेटेड रहेगा। ये आपका कोटिंग में पेन है तो ये परफोरेटेड रहेगा, याद रखिएगा। मींस उसमें होल्स रहेंगे। इट पेन इज फुल्ली पार्शियली परफोरेटेड, कंटेन्स मिक्सिंग ब्लेड्स। ब्लेड्स रहेंगे उसमें मिक्स करने के लिए, टैबलेट की यूनिफॉर्म कोटिंग हो तो, सो दैट वो मिक्स हो सके। इनलेट एयर इज बाय प्लेनियम इन कॉन्टेक्ट विद द टॉप ऑफ द पेन। इनलेट के लिए एक अलग से इनलेट पाइप होगा एयर के लिए। एयर इज एक्सॉस्टेड बाय प्लेनियम लोकेटेड बिलो द पेन। जो एयर है इसमें बोला गया है ये आपका एग्जॉस्ट ऐसे होगा। बिलो द पेन एक अलग से पाइप लगा रहता है जहां से हम बाकी का एयर है जो एग्जॉस्ट एयर है वो आउटलेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा पेलेनियम इस चीज ही को बोला गया, इस पाइप को बोला गया। नाउ बात करते हैं फ्लूडाइज्ड बेड कोटर की। फ्लूडाइज्ड बेड कोटर में देख लेते हैं, फ्लूडाइजेशन ऑफ अ टैबलेट मास इज अचीव्ड इन अ कॉलमनार चैम्बर बाय द अपवर्ड फ्लो ऑफ ड्राइंग एयर। एक चैम्बर होता है इस तरह का, दिस इज द चैम्बर। यहां से हम कोटिंग मटेरियल अप्लाई करेंगे, दीज आर द टैबलेट। ठीक है, ये टैबलेट है। मूवमेंट ऑफ द टैबलेट इज अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ दिस चैम्बर। मूवमेंट ऐसे होगा टैबलेट का अपवर्ड की तरफ। एंड कोटिंग सॉल्यूशन आर कंटिन्यूअसली अप्लाइड फ्रॉम अ स्प्रे नोजल लोकेटेड एट द बॉटम। यहां से आपका कोटिंग मटेरियल अप्लाई किया जाएगा आपके टैबलेट पर, और यहां से आपका एग्जॉस्ट, ये आपका कैप लगा रहेगा यहाँ पे, और एग्जॉस्ट होगा एयर। ठीक है, इनलेट यहीं से होगा। सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके टैबलेट कोटिंग समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके एग्जाम्पल्स और फंक्शंस याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन आवर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।